हेलो एवरीवन। और आर्टिकल 20 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया, फिर 21 कंप्लीट किया और अब आर्टिकल 21A हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, अगर आप लोग को कुछ भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए, डिस्कस करिए। कुछ भी हो, आपको रियल लाइफ में भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई इश्यूज और इवेंट्स हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं और आपको पूरा हेल्प किया जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आर्टिकल 21A को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आर्टिकल 21A जो है ना, वो प्रोवाइड करता है कि जितने भी चिल्ड्रन है एज ग्रुप में 6 to 14 ईयर्स के, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए इन अ मैनर प्रिस्क्राइब बाय लॉ। ठीक है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसने प्रोवाइड किया था राइट टू एजुकेशन एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये देखिए, तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसने प्रोवाइड किया था। हाँ, ये देखिए एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल था ये अंडर आर्टिकल 45 में, जो इसमें ये लिखा हुआ था कि जो स्टेट है वो शेल एंडेवर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू दी एज ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, ये 14 ईयर्स था अप टू दी एज। ओके, फिर जो सुप्रीम कोर्ट है, एक केस हुआ था उसका नाम था उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि जो राइट टू प्राइमरी एजुकेशन है वो अवेलेबल है एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट ने ही अंडर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंट्रोड्यूस कर दिया आर्टिकल 21A। ठीक है, और इसमें 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक्ट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में यही तीन चीजें आई थी, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 45 जो था डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, उसको भी अमेंड कर दिया। तो वो कुछ अब इस तरीके से है कि द स्टेट है ना शैल मेक अवेलेबल अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स, ये अमेंडमेंट किया। ठीक है, और ऊपर मैंने बता दिया कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था क्या। और तीसरी जो चीज इन लोगों ने की वो की इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 51A क्लॉज के, उसने इंट्रोड्यूस किया 11th फंडामेंटल ड्यूटी किसके लिए, पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए, कि टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ कौन सा, 6 to 14 ईयर्स। 6 to 14 ईयर्स, तो देखिए सबके लिए कुछ कुछ ना कुछ हो गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में स्टेट के लिए हो गया और फंडामेंटल ड्यूटी में हो गया पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए, और जिससे कि इंप्लीमेंट किया जा सके आर्टिकल 21A को, तो पार्लियामेंट ने फर्दर एनेक्ट किया राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 और उसके अंदर कुछ प्रोविजंस थे। ठीक है, ये देखिए राइट टू ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, अब इसके अंदर कुछ प्रोविजंस थे, वो ये थे कि इसमें पहला पॉइंट ये कहा गया था कि एवरी चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स शैल बी प्रोवाइडेड विद फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन एन एज एप्रोप्रिएट क्लासरूम इन द नेबरहुड। ठीक है, अब मान लो कि 3 किलोमीटर है, ठीक है, ये होम से चाइल्ड का, और 5 किलोमीटर है, तो वो एग्जीक्यूटिव डिफाइन करेगा कि नेबरहुड में कि कहाँ पे आपका ये एडमिशन होना है। ठीक है, जो दूसरा चीज था इस एक्ट में वो ये था कि कोई भी चाइल्ड हो उसको एडमिशन डिनाई नहीं करना है किसी भी स्कूल में जस्ट फॉर द वांट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब भी उसको एडमिशन देना पड़ेगा। फिर तीसरा जो पॉइंट था इसमें बताया गया था वो ये था कि जो स्टेट है इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग यूनिवर्सल एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बट ऑल्सो टू एंश्योर दैट दीज चिल्ड्रन कंप्लीट 8 ईयर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, ऐसा भी था कि ये देखा जाए कि ये जो बच्चे हैं ये कम से कम 8 साल की प्राइमरी एजुकेशन को जरूर कंप्लीट करें, ड्रॉप आउट ना हो, ये ज्यादा मेन फोकस था।
और जो लास्ट चौथी चीज जो इम्पोर्टेंट थी इस एक्ट में वो ये थी कि जितने भी प्राइवेट स्कूल होंगे और माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे दे आर रिमूव्ड, उनको नहीं लिया गया था इसमें। दिस जो जितने भी प्राइवेट स्कूल थे शैल बी ऑब्लिज्ड टू एडमिट और एनरोल चिल्ड्रन, ठीक है, उनको एडमिट करना पड़ेगा बच्चों को एज ग्रुप में 6 to 14 years जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आ रहे हैं या डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज से हैं, कितना अप टू 25%, ठीक है, ध्यान रखिएगा अप टू 25%। फिर जो गवर्नमेंट है वो कंपेंसेट करेगी इन स्कूल्स को फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, ठीक है, और इसको सही से ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, इसको ये मॉनिटर करने के लिए वॉचडॉग टाइप का ये इसको बनाया ताकि इसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो सके राइट टू एजुकेशन एक्ट का। इसका एक ये क्रिटिसिज्म है कि ये बहुत ज्यादा इनपुट फोकस्ड है ये और आउटपुट जो है वो बहुत ही कम आता है जो, और ये कहते हैं कि ये जो आर्टिकल है ना इट इज ऑल अबाउट राइट टू स्कूलिंग बट नॉट अबाउट राइट टू एजुकेशन, ठीक है, कि केवल स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं पर एजुकेशन में उतना फोकस नहीं है, सिर्फ एडमिशन एनरोल कराने में ही फोकस है। तो ये था आर्टिकल 21A और आर्टिकल 21A इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो लेक्चर तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।